बट यार ओवरऑल इसके जो लुक से आप देख सकते हो एक नेक्स्ट लेवल फील देती है। मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, मेरे दोनों पैर मतलब सफिशियंट आराम से टिक रहे हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे खड़ी है ऑल न्यू 2022 सुजुकी जिक्सर SF155 ग्लास ब्लैक कलर में। बहुत ही अमेजिंग लग रही है देखने में। डिटेल में आज हम इसके सारे स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं और वीडियो किनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो भी कोई 1,65,000 तक के बजट में एक फेयरिंग वाली बाइक या कौन सी स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाली इसकी राइवल स्पेशली जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है वो और जो भी इसके कंपटीशन में आती है सबसे कंपेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, कुछ इस टाइप की चीज़ आपको इसमें ऑफर करी जाती है। सबसे पहले आप गाड़ी का फ्रंट लुक देखोगे ना, ग्लास ब्लैक कलर में इतनी अमेजिंग लग रही है। तीन कलर चॉइसेस इसमें कंपनी ऑफर करती है, बट इसमें आपको फ्रंट एज वेल एज रियर पूरा LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। हाई बीम एंड लो बीम के साथ तो जो विजिबिलिटी रहने वाली है आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ ये इतनी फ्यूचरिस्टिक लग रही है फ्रंट प्रोफाइल। अगर साइड की ओर आए तो यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर से आपको हेलोजन में ही मिलने वाले हैं। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, बट ये इतने बढ़िया है ना, स्पेशली आप देख सकते हो इतने ब्रॉड ये रखे गए हैं, तो जब भी कभी कोई अनसर्टेन ब्रेकर वगैरह आएगा या आप किसी ऑफ रोडिंग के लिए भी इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो ना, तो हैंडल बार पर राइडर को बिल्कुल भी जर्क्स फील नहीं होने वाले। फ्रंट में आपको 100x80R 17 inches के टायर्स मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस है ब्लैक कलर के अलॉयस के साथ। सबसे अच्छी चीज़ आपको फ्रंट एज वेल एज रियर ड्यूल डिस्क ब्रेक्स इसमें मिल जाते हैं जो कि बाइब्रेक हैं। बाइब्रेक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है तो ब्रेकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही गाड़ी आती है, सुजुकी को ये अपडेट कर देना चाहिए एंड ड्यूल चैनल इसमें लॉन्च कर देना चाहिए। हालांकि गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है बिकॉज ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर साइड की ओर आए तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख सकते हो, जिक्सर SF की पूरी ग्राफिक मिल जाती है एंड ये पूरा फाइबर रखा गया है। अगर आप में से कोई ये बाइक ओन करता है या लेने का प्लान कर रहा है ना, तो सबसे एक मस्ट एसेसरी लगवा लेना जो कि फ्रेम स्लाइडर, बिकॉज इनकेस गाड़ी गिरती है ना तो यहाँ पर स्क्रैचेज आ जाते हैं जो कि फिर मतलब हटाना या इस पार्ट को रिप्लेस करना एक मतलब बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165mm का है। अब देखो 165mm में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट रेसिंग सेगमेंट की बाइक है तो 165mm मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर आप पिलियन के साथ भी हो तो टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है। जैसा कि 155cc की बाइक है तो इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो 155cc का 4-स्ट्रोक एयर क्यूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो कि अराउंड 13.6 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 13.8 Nm का टॉर्क। अब इसके कंपटीटर्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको अपाचे 200, पल्सर NS200 मिल जाएगी जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, बट आप इसके पावर फिगर्स पर मत जाना बिकॉज इस बाइक को राइड करने में आपको एक एग्रेशन पता लगेगा। मतलब सुजुकी का इंजन आपको राइड करने में बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देने वाला है एंड इंजन ओवरऑल बहुत ही रिफाइंड है। बट एक चीज़ है कि आपको इसके साथ माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अराउंड 40-45 मैक्स देगी, उसके ऊपर मतलब निकालना मुश्किल है। हालांकि आप में से कोई ये बाइक ओन करता है तो आपको कितना माइलेज दे रही है एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सो अगर यहाँ की ओर आते हैं तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है यहाँ पर सुजुकी की बैजिंग के साथ। ओवरऑल आप इसके लुक्स देख सकते हो, हालांकि मैं बैठकर भी दिखाऊंगा बिकॉज टैंक के बाद जो एक कंट्रोलिंग में डिफरेंस आता है वो मैं बैठकर दिखाऊंगा। कॉर्नरिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं रहने वाली है। BS6 से आपको यहां पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है जो कि सेफ्टी पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम का फीचर है। मिडिल स्टैंड यहाँ पर प्रोवाइड करा गया जो कि मतलब रेसिंग सेगमेंट की बाइक्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप के आपको रियर फुट पैक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सारी गार्ड भी प्रोवाइड करा गया है। अब अगर इसकी सीट देखोगे ना आप, हालांकि देखो आपको मैं बैठकर भी इस पर दिखाऊंगा, बट राइडर एज वेल एज पिलियन की आप देख सकते हो स्प्लिट सीट प्रोवाइड करी गई है एंड इसकी हाइट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे R15 से, हालांकि वो 2 लाख के ऊपर जाती है। बट इस बजट में अगर आप देखोगे ना, आप ये बाइक कंसिडर करना चाहते हो, आपकी मम्मी या सिस्टर को भी बिठाना चाहते हो, तो कोई इतनी एग्रेसिव सीट नहीं है, इजिली आप यहाँ पर बिठा सकते हो। एंड जो सुजुकी की बैजिंग दिख रही है वो रेड ग्राफिक्स के साथ काफ़ी अमेजिंग लग रही है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की ओर। तो गाइस रियर में मैं आ गया हूँ, अगेन आप देख सकते हो LED टेल लैम्प जो रियर प्रोफाइल को लुक दे रहा है काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पर नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, टायर हगर प्रोवाइड करा गया है एंड अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो 140 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं, 140x60R17 रखे गए, तो ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं बोलूँगा बट हाँ 155cc की बाइक के हिसाब से जो इसकी रियर प्रोफाइल है उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये टायर। रियर में आपको यहाँ पर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं जो कि ना ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड है ना ही स्टिफर साइड है, कंफर्टेबल रहने वाले हैं। पिलियन को कोई भी जर्ग्स यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। अब एग्जॉस्ट की ओर आए तो आपको पूरे क्रोम इंसर्ट्स के साथ ये देखने को मिल जाता है। अब फाइनली इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, 155cc का ये सुजुकी का इंजन कैसा क्या एग्जॉस्ट नोट प्रोवाइड करता है।
ही आपको मतलब पंची एंड थोड़ा एग्रेसिव एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। इनिशियल पे तो बहुत ही रिफाइंड रहता है बट हायर आरपीएम पे एकदम एग्रेसिव हो जाता है। अब इसकी सीट हाइट एंड राइडिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो मैं आपको एक बार बैठ कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट बहुत ही कम रखी गई है, 795 mm की है। देख सकते हो आप, मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, मेरे दोनों पैर मतलब सफिशियंट आराम से टिक रहे हैं। तो स्पेशली मुझे सिटी कम्यूट में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज इसका जो पोस्चर है ना इतना कंफर्टेबल है। अगर आप कोई न्यू बिगनर है और आप कौन सी एक नॉर्मल बाइक से रेसिंग सेगमेंट बाइक की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, आपको शोल्डर पेन बैक पेन जैसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पर पोस्चर देखने को मिल जाता है। दूसरी सबसे खास चीज़ ये कि गाड़ी का वेट है सिर्फ 148 kg। तो स्पेशली आप देख सकते हो गाड़ी गलती से भी आप लीन वीन कहीं कर रहे हो ना, सिटी राइड्स में भी आपको मतलब इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। 148 kg का वेट मतलब ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। एंड पिलियन का भी आप देख सकते हो, जो ओवरऑल अपोल्स्ट्री है सीट की काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। फाइनली इसके हैंडल बार एंड मीटर कंसोल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप इसके साइड मिरर्स देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया व्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी हम जब राइड पर जाएंगे तो इस पर वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं कि नहीं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा। बट सबसे पहले आप हैंडल बार देख सकते हो, इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं जो कि मतलब गाड़ी चलाने का आपको बहुत ही अलग ही फील देने वाले हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पर 12,000 तक का RPM शो कर रही है। गियर इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है, न्यूट्रल की लाइट, डिम फुल की लाइट शो कर रहा है। यहाँ पर ABS की लाइट आ रही है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पर टर्न सिग्नल शो कर रहा है। नीचे आपको यहाँ पर किलोमीटर ओडोमीटर सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर फ्यूल दिखा रहा है, मेरे ख्याल से इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करी गई है। एंड यहाँ पर जो ये लाइट है, जैसा कि आपने बाकी R15 या दूसरी MT15 जैसी बाइक्स में देखा होगा, जैसे आप हायर RPM पे ले जाते हो तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक होती है जो कि मतलब राइडर को एक अलग ही एग्रेसिव चलाने वाला फील देती है। यहाँ के फंक्शंस की बात करें तो कुछ इस टाइप का क्लच मिलता है, स्पेशली इसमें कोई ज़्यादा गैप नहीं है तो जिसके हाथ छोटे उनको भी मतलब गियर शिफ्टिंग में कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। यहाँ पर पास का स्विच, डिम फुल का स्विच मिल जाता है, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न कुछ इस टाइप का मिलता है। राइट साइड आपको इग्निशन मिल जाएगा, उसी के नीचे सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यूनिट है। अब जैसा कि मैं इस पर एक ओनर से रिव्यू भी शूट करा है, आपको अगली वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो ओनर की ये कंप्लेंट थी कि यार इसका वाइजर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज आप जब भी कभी लॉन्ग राइड पर जाते हो तो विंड ब्लास्ट बहुत आता है। आप में से कोई इस गाड़ी को ओन करता है तो आपका इस पर क्या व्यू है मुझे एक बार कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना। ऑल राइट गाइज, ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब कंक्लूजन की ओर आते हैं कि शुड यू बाई दिस बाइक और नॉट। अब देखो, अगर आपका 1,65,000 rupees का बजट है और आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए तो देखो आप अपाचे 200, पल्सर NS 200 या बहुत से ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं तो आप उन गाड़ियों के लिए जा सकते हो। बट आपको कहीं ना कहीं एक फेयरिंग एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो अपना जिक्सर 155, दूसरा आ जाता है हीरो एक्सट्रीम 200। तो वो गाड़ी तो देखो हालांकि आपको ज़्यादा पावर फिगर्स के साथ इससे 8-10,000 कम पैसे में ही मिल जाती है, बट जिसको एक सुजुकी का फैन बेस चाहिए इस ओवरऑल इतने बढ़िया लुक्स के साथ तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हो। बिकॉज जो R15 है वो आपको 2,00,000+ ही मिलने वाली है, उसका मतलब एक अलग कैटेगरी हो जाती है। बट यार ओवरऑल इसके जो लुक्स से आप देख सकते हो एक नेक्स्ट लेवल फील देती है, मुझे ये गाड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लगती है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर शेयर करना, एंड चैनल पर कोई भी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।